इस देह का फल क्या है, इस मनुष्य के शरीर का फल क्या है, आप भी जरा विचार करना। पढ़े लिखे आप, मनुष्य शरीर पाने का क्या विशेष फल है, सोच के जरा बताना मुझे आप हैं? क्या एक ने बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि बीए करना, नौकर बनना, तनख्वाह पाना, पेंशन पाना और मर जाना, क्यों जी यही है लक्ष्य जीवन का? पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले और फिर रिटायर होकर पेंशन पाते पाते मर जाओ, यही काम बचा? इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है क्या, मुझे बताइए आप? केवल इतना ही लक्ष्य है? तो ऐसे तो सदियों से होता रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं। सोचने की जो शक्ति भगवान ने दी है उससे आपने क्या हटके सोचा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदचिन्हों पर चलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदचिन्हों पर चलते हैं, कुछ पदचिन्ह बनाते हैं। हाँ, तो आप भी यदि वही करते रह गए तो सोचिए जरा है? इससे ऊपर उठिए जरा, क्योंकि ये एक समय आएगा जब एक अंतिम सत्य का सामना करना पड़ेगा। अंतिम सत्य है? अंतिम सत्य का सामना करना पड़ सकता है। क्या सत्य भाई? बोले अंतिम सत्य यह है कि देह भी नाता निभाएगा तो कहां तक, चिता के दान तक। देह चिता तक रह, देहस चितायाम, चिता तक। अब परिवार के सब लोग चलेंगे अश्मशान तक, पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। हरि के बिना तो भजन ही है साथी, जग का